नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल, इसे बीबीएस भी बोलते हैं। बिल्डिंग लाइन में बिल्डिंग लाइन में या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन में जो रेनफोर्समेंट स्टील का जो इम्पोर्टेंस है, तो रेनफोर्समेंट स्टील वो कैसे कटिंग बेंडिंग करते हैं, कैसे फिक्सिंग करते हैं, उसका एक डिटेल जानकारी, मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज बार बेंडिंग शेड्यूल, और ये बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते समय कौन कौन से गाइडलाइंस का इस्तेमाल होता है, और ये बार बेंडिंग शेड्यूल किसके लिए यूजफुल है, और ये बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं, मतलब उसका एक सैंपल फॉर्मेट भी हम देखेंगे। तो और उसका बार बेंडिंग शेड्यूल का इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इसके साथ ही बार बेंडिंग शेड्यूल जैसे रेनफोर्समेंट स्टील हम कटिंग बेंडिंग और एक जो टाइंग करते हैं, रेनफोर्समेंट स्टील जो बांधते हैं उसमें एक मेट्रिक टन स्टील बांधने के लिए कितनी बाइंडिंग वायर का यूज होता है या फिर कितनी बाइंडिंग वायर लगती है, यह भी हम आज देखेंगे। बार बेंडिंग शेड्यूल मेनली इसको हम बीबीएस, शॉर्ट में बीबीएस ऐसे बोलते हैं। मेनली क्या है, इसमें बीबीएस में जो रेनफोर्समेंट का जो डायमीटर ऑफ बार्स है, उसका कटिंग लेंथ है, उसका लोकेशन है, उसका मार्क क्या है, टाइप क्या है, साइज क्या है, उसका बेंड कितना है, क्या है, वो सब डिटेल ये बार बेंडिंग शेड्यूल में आता है। एज पर ड्राइंग उसका जो भी डिटेल्स आएगा वो सब बार बेंडिंग शेड्यूल में आता है। इसमें कैसा रेनफोर्समेंट स्टील रेनफोर्समेंट स्टील जो रहता है वो जनरली केजी या मेट्रिक टन में मेजर करते हैं। इसमें कैसा है, ये जो आइटम्स रहता है कटिंग बेंडिंग फिक्सिंग प्लेसिंग, इसमें सब लोग सब में आइटम में क्या रहेगा, तो ये जो कटिंग बेंडिंग प्लेसिंग फिक्सिंग टाइम ये सब इसमें इंक्लूड रहता है। इसके बाद ऑथराइज लैब्स चेयर्स पेसर्स ये भी मेजर करते हैं, ये पेएबल है कि नहीं वो क्लाइंट के ऊपर कभी कभी डिपेंड रहता है। मेनली बाइंडिंग वायर यूज किया जाता है, जीए और एमएस, जीआई और एमएस बाइंडिंग वायर, वो स्टील को टाई बांधने के लिए जीआई और एमएस बाइंडिंग वायर यूज किया जाता है, ये भी डिस्क्रिप्शन में आता है। अभी मेनली कैसा रहता है, जनरल गाइडलाइंस हम देखेंगे बीबीएस बनाते समय क्या क्या, मतलब हम देखते हैं ये जो बार्स रहते हैं वो एक ग्रुप में इकट्ठा करते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल ग्रुप जो भी रहेगा, बीम कॉलम स्लैब वगैरह वगैरह। इसमें एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर में बार कैसे फ्लोर टू फ्लोर लिस्ट करते हैं, और कटिंग और बेंडिंग के पर्पज के लिए ये एक सेपरेट A4 शीट्स का बनाते हैं, मतलब जो कटिंग और बेंडिंग करना है उसका एक सेपरेट हम A4 शीट में स्केच बना के स्टील यार्ड में देते हैं एज पर रेनफोर्समेंट ड्रॉइंग। इसके बाद जो फॉर्म ऑफ बार है, शेड्यूल है, ये सब अकॉर्डिंग टू IS 4502, IS 1786, मतलब IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, IS 432 उसके हिसाब से रहता है। मेनली कैसा रहता है, ये जो बार्स रहते हैं ये मेनली लिस्ट किया रहता है न्यूमेरिकल ऑर्डर में। इसके बाद जो मार्क रेफरेंस रहता है, लेबल्स रहता है, बंडल रहता है, वो भी एक यूनिट पर्टिकुलर ग्रुप के हिसाब से या सेट के हिसाब से रहता है, मतलब लेंथ साइज शेप टाइप और जहाँ वो यूज करने वाले हैं उसके हिसाब से वो बंडल बना के वो लोकेशन पे रखते हैं। इसमें मेनली क्या है, जो मेनली इंपरेटिव बार मार्क रेफरेंस जो रहता है वो मेनली एक बार का कैरेक्टरिस्टिक है, और ये स्टील को फिक्स करने वाले इनको जैसे फिटर हो हेल्पर हो उनको ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है कि कौन सा बार किधर लगाना क्या है और कौन से टाइप का नंबर ऑफ बार्स किधर लगते हैं, ये सब उसके लिए उनके लिए हेल्प होता है। अभी मेनली बार बेंडिंग शेड्यूल कौन कौन यूज करता है, इंजीनियर्स जो ड्राइंग चेक करते हैं बीबीएस बनाते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जो स्टील का ऑर्डर देते हैं, उसके बाद जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो फैब्रिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेनफोर्समेंट फैब्रिकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उसके बाद स्टील फिक्सर्स फिटर्स मतलब फिटर हेल्पर जो भी रहेगा वो,
उसके बाद कटिंग बेंडिंग मशीन ऑपरेटर, जहाँ स्टील कट करना है बेंड करना है उसका मशीन जो चलाते हैं वो, और उसके बाद जो क्वांटिटी सर्वेयर जो बिल वगैरह बनाता है रिकॉर्ड स्टील रिकॉर्ड करता है वो। उसके बाद बीबीएस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्वांटिटी सर्वेयर क्या है पूरा एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो उसको मेनली जो काम करना रहता है इसमें प्रिसीजन और हाई लेवल एक्यूरेसी भी जरूरी रहती है, इसलिए बार बेंडिंग शेड्यूल क्वांटिटी सर्वेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो उसके हिसाब से नंबर ऑफ बार्स ईच बार टाइप सब निकाल के टोटल ये मंगा सकते हैं। इसके लिए एस्टिमेशन करने के लिए भी आसान रहता है स्टील क्वांटिटी का एस्टिमेशन करने के लिए, इसके हिसाब से हम कॉस्ट भी निकाल सकते हैं स्टील वर्क का कितना आता है। तो बीबीएस मेनली कैसा है, कॉन्ट्रैक्टर जो रेनफोर्समेंट का ऑर्डर करता है उसके लिए भी यूजफुल है। यूनिट कॉस्ट ऑफ स्टील ये वेट के हिसाब से हम परचेस करते हैं। इसमें बार बेंडिंग शेड्यूल जो रहता है वो पूरा इंफॉर्मेशन नीचे से रहता है रेनफोर्समेंट का, मेनली प्रोफेशनल्स जो अलग अलग स्टेज में कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं उनके हिसाब से अलग अलग इनके यूजफुल रहा है। अभी कैसे प्रिपेयर करना है, नेसेसरी कॉलम्स बार नंबर बार मार्क और रेफरेंस, उसके बाद बार टाइप बार शेप, उसके बाद डायमीटर, उसके बाद स्पेसिंग, उसके बाद लेंथ ऑफ बार, उसके बाद कटिंग लेंथ, उसके बाद नंबर ऑफ बार्स। मेनली बीबीएस में जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो एज पर ड्राइंग रहता है, ड्राइंग में कैसे बार शेप डायमीटर लेंथ स्पेसिंग ये डायरेक्टली दिया हुआ रहता है, तो इसमें मेनली देख करके उसके हिसाब से ड्राइंग के हिसाब से अपने को कटिंग लेंथ वगैरह निकालना पड़ता है। बीबीएस में कैसे बनाते हैं, जैसे स्पेसिंग 150 सेंटर सेंटर और लेंथ इस इसमें प्लेस 6,900 mm है, तो उसमें नंबर ऑफ बार्स हम कैसे निकालेंगे, लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बार्स, मतलब 6,900 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 1 इज इक्वल टू 47। इन दिस केस वी रिक्वायर 47 स्टिरअप्स। इसमें एक ध्यान में रखना है कि स्टील इज डक्टाइल इन नेचर, मतलब डक्टाइल होने की वजह से वो इलांगेट होता है, मतलब उसका लेंथ बढ़ता है, तो जो लेंथ बढ़ता है इंक्रीज होता है बेंड करने की वजह से हुक करने की वजह से, तो ये लेंथ जो बढ़ता है उसका डिडक्शन करना बहुत जरूरी है। इस साइड में स्केच दिया है उसके हिसाब से हम देख लीजिए। अभी कटिंग लेंथ कैसा है, जो अभी हमने देखा स्टील डक्टाइल है उसका लेंथ बढ़ता है इलोंगेशन प्रॉपर्टी की वजह से, तो अपने को जहाँ हुक बेंड बेंड्स रहता है उतना अपने को माइनस करना पड़ता है। कटिंग लेंथ इज इक्वल टू ट्रू लेंथ ऑफ बार माइनस डिडक्शंस। और 45 डिग्री के लिए कैसा है, टोटल लेंथ माइनस 1 इंटू डायमीटर ऑफ बार्स इंटू नंबर ऑफ बेंड्स। 90 डिग्री के लिए क्या है, टोटल लेंथ माइनस 2 डायमीटर ऑफ बार्स इंटू नंबर ऑफ बेंड्स। फॉर स्टिरअप्स के लिए कैसा है, 90 डिग्री हुक लेंथ ऑफ स्टिरअप इज इक्वल टू 2a + 2b दोनों साइड प्लस 18 इंटू डायमीटर। 135 डिग्री हुक के लिए कैसा है, लेंथ ऑफ स्टिरअप 2a + 2b + 24 इंटू डायमीटर। अभी हम डायमीटर का वेट पर मीटर देखेंगे, इसमें जैसे 6 mm के लिए 0.222 वेट पर मीटर इन केजी, 0.222 kg पर मीटर, 8 mm का 0.39 kg पर मीटर, 10 mm का 0.616 kg पर मीटर, 12 mm का 0.888 kg पर मीटर, 16 mm का 1.579 kg पर मीटर, 20 mm का 2.466 kg पर मीटर, 25 mm का 3.844 kg पर मीटर, 32 mm का 6.313 kg पर मीटर, 40 mm का 9.864 kg पर मीटर। इसमें लेंथ पर टन भी दिया हुआ है, एक टन में कितना लेंथ आता है। वेट ऑफ स्टील निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला है d² / 162, डी मीन्स डायमीटर ऑफ बार इन किलोग्राम्स। अभी अपने को बी एन दत्ता सर मालूम है, बी एन दत्ता जिनका क्वांटिटी सर्वेइंग का किताब आपने पढ़ा ही होगा, वो उन्होंने एक रिकमेंडेशन किया है कि स्टील अलग अलग कंपोनेंट में जहाँ यूज करते हैं बिल्डिंग में, तो उसमें अलग अलग कॉन्स्टेंट्स उन्होंने दिया है कितना परसेंट लेना है, वो उन्होंने अपना एक थियोरेटिकल ये दिया है अजम्पशन। जैसे बार बेंडिंग में परसेंटेज स्लैब है तो 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, बीम का 2% ऑफ टोटल वॉल्यूम कंक्रीट, कॉलम का 2.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट,
कोटिंग का 0.8% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, ये उनका अजम्पशन है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये बार बेंडिंग शेड्यूल क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और एक मेट्रिक टन स्टील बांधने के लिए या फिर टाई करने के लिए 10 kg बेंडिंग वायर लगता है, ये ध्यान में रखिए। और इसके साथ ही आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो मेरे चैनल के वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।